हल्द्वानी में नगर निगम के बैणी सेना को नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बैणी सेना को देश में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने कहा कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन से बैणी सेना ने अग्रणीय भूमिका निभाई है और यही कारण है कि बैणी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। इसके साथ ही मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता, पार्षद और पूरी टीम को दिया है। उन्होंने भविष्य में भी इससे इसी प्रकार सफल बनाने का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2022 को बैणी सेना का गठन हुआ और एक साल के ही भीतर बैणी सेना ने स्वच्छता के मामले में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। नगर निगम में चार्ज संभालने के बाद से मेरी प्राथमिकता में स्वच्छता रहा, जिसमें कर्मचारियों की कमी, वित्तीय कमियों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट को नवाचारी कदम ग्रुप में बैणी सेना का गठन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आईं, कर्मचारियों में भय रहा, व्यापारियों में भय रहा, सबके साथ संवाद किया गया, सबको संतुष्ट किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। आज एक साल बाद 31 अक्टूबर 2022 को इसका गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उससे निश्चित रूप हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ी हैं। बैणी सेना के क्रियान्वयन के दौरान जो कमियाँ संज्ञान में आती रही उनको दूर करने का हम प्रयास करते रहे हैं। लोगों के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी के प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी, कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बैणी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नज़दीक है, इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। निगम अपने कार्य कर रहा है, निगम के बहुत कार्य होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं। आज निगम स्थायी है, निगम के अंदर स्थायित्व है, कर्मचारियों को वेतन देने की कोई दिक्कत नहीं है,